नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड इनसाइड न्यूज और मैं बंटी विश्वकर्मा आपके साथ। बेगुनिया कोलियरीपाड़ा स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर के वार्षिक उत्सव चार दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान शनिवार को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें 251 महिलाएं और कुमारी कन्या ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस कलश यात्रा में मुख्य यजमान शंभू बर्नवाल एवं धर्मपत्री रानी बर्नवाल, वासुदेव मुखर्जी, धर्मपत्नी स्मृति कोना मुखर्जी द्वारा कलश उठाकर गाजाबाजी के साथ कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई, जो बेगुनिया बाजार होते हुए चासापाड़ा, मोड़लपाड़ा एवं बीसीसीएल कॉलोनी के रास्ते नदीघाट पहुंच जल लेकर मंदिर में कलश स्थापना किया गया। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि वर्ष 2019 में इस सार्वजनिक हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। कोरोना महामारी के कारण वार्षिक अनुष्ठान नहीं हो पाया, वहीं स्थिति में सुधार को देखते हुए इस पर शनिवार से कलश यात्रा के साथ चार दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। रविवार को वेदी पूजन के साथ संध्या 5 बजे से हनुमान चालीसा पाठ, संध्या आरती एवं भजन का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं सोमवार को वेदी पूजन के साथ हवन एवं संध्या भजन और आरती का कार्यक्रम किया गया है, जबकि मंगलवार को नरनारायण सेवा के साथ पूर्णाहुति की जाएगी।